अस्सलाम वालेकुम। आज के मौसम में कितना सुहाना होगी बना कॉकरोच का दीवाना। मैं सुबह सुबह उठा, कपड़े प्रेस किए और फ्रेश हुआ और फिर मैं किचन में गया। किचन में जाके मैंने पानी पिया और ग्लासेस लगाई और मैंने अच्छा अच्छा फील किया और फिर साथ ही हम चले गए अपनी मंजिल की तरफ। हमने अरबाब ने कहा था कि आपने LCD भी पकड़नी है, हमने LCD भी पकड़ ली, कीबोर्ड भी पकड़ लिया। कीबोर्ड पकड़ के हम फिर चल गए नीचे लिफ्ट की तरफ। फिर हमने देखा कि हमने अच्छे तैयार शार हो के हमने बाल शाल बना के अपनी कुछ वीडियो बनाई। वीडियो बना के हमने अरबाब का वेट किया, हमने LCD रखी थड़े पे और अरबाब का वेट किया। अरबाब कह रहे थे कि मैं आ रहा हूँ, सरफराज तुम वेट करो। मैंने कहा अच्छा है। तो फिर हमने थोड़ी देर के लिए वीडियोज़ वगैरह बनाई, माहौल वगैरह देखा और उसके बाद फिर अरबाब जी का वेट करते रहे हम। और फिर हम कुछ देर वेट करने के बाद अरबाब जी आ गए। अभी हमने फिर वीडियोस बनाई, वीडियोस बना के हमने फिर अपने ग्लासेस लगाए, अपने आप को थोड़ा टेंशन में लिया। आहा वाह लड़के वाह, प्यारे लग रहे हो तुम, अपने मुँह में मिट्ठू बन रहे हो। और फिर हम गाड़ी के अंदर बैठ गए और अपनी मंजिल की तरफ जाने लग पड़े और हम गए ऑफिस की तरफ। लेकिन अरबाब ने कहा यार आज हम आपको नाश्ता करवाते हैं यहाँ का, लाहौर का, लाहौर जैसा नाश्ता दुबई में। वाह वल्ला मज़ा आ गया अभी खा के। इस तरह का पराठा, इस तरह का मैं बोलता हूँ कि इस तरह का नाश्ता मैंने अभी तक दुबई में नहीं किया। अभी आपको दिखाते हैं नाश्ता कितना मज़ेदार था। और चलते रहे हम अपने मुसाफिर मंजिल की तरफ। मुसाफिर चल रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ, आहिस्ता आहिस्ता रिंगते रिंगते आहिस्ता सर। कुछ देर मैंने आंख लगा ली, मुझे बहुत नींद आ गई थी, मैंने कहा कुछ देर गाड़ी में आंख लगा लेते हैं। और उसके बाद फिर हमने कुछ देर आंख लगाने के बाद हम पहुंचते हैं एक अच्छी जगह और एक अच्छे रेस्टोरेंट की तरफ, जिसका नाम है, रेस्टोरेंट का नाम आपको दिखाते हैं, देसी डेरा। और हम अरबाब और मैं और मेरा दोस्त फरहान भाई हम आगे की तरफ जाते हुए, और हमने देखा कि इतना माहौल, इतना प्यारा माहौल है। और हमने कहा अरबाब से, मैंने पूछा अरबाब जी क्या लगाएंगे नाश्ते में। उन्होंने परांठे लगाए और साथ में मैं कहता हूँ चने। वाह वाह वाह, ये खा के तो मेरे मुंह से मैं बोलता हूँ मुझे तो लाहौर की याद आ गई। इतने मज़ेदार पराठे तो मैंने भाई दुबई में आज तक नहीं खाए, दूसरे खाए हैं लेकिन इस तरह के नहीं खाए। उसके बाद फिर हम गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी में बैठने के बाद हम ये फ्यूचर स्टेडियम को चीरते हुए हम अपनी मंजिल की तरफ जाने लग पड़े और आहिस्ता 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 हम चले गए अपनी मंजिल की तरफ। और फिर हमने देखा लड़के इतना प्यारा माहौल देखा हमने, दुबई की सड़कों इतनी प्यारी हैं, दुबई की सड़कें इतनी प्यारी हैं। वाह भाई वल्ला वल्ला क्या बात है भाई, दुबई घूमने के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। अगर आपके पास बहुत अच्छी पैसिव अर्निंग आप इनकम जनरेट कर रहे हैं, फिर अदरवाइज़ इधर बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता। फिर हमने गाड़ी के अंदर कुछ वीडियोस वगैरह बनाई अपनी और फिर हम इस तरह पहुँचे अपने ख़त्म पर और इस तरह हम ऑफिस पे पहुँच गए और हमारा व्लॉग ख़त्म हो गया। और हमने सुबह सुबह तिलावत सुनी, तिलावत सुनने के बाद हमने ऑफिस का बनाया और व्लॉग ख़त्म। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई व्लॉग।